चीन की एक और छलांग, अंतरिक्ष में बिजली बनाकर देश के हर घर को करेगा रोशन। चीन अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की तैयारी में है। इससे एक पूरे शहर को रोशन करने को पर्याप्त बिजली धरती पर लाई जा सकेगी। अगर वैज्ञानिक इसकी चुनौतियों से पार पा सके तो अभी ऊर्जा के लिए धरती पर मौजूद स्रोतों पर निर्भर लोगों को एक और विकल्प मिलेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह परियोजना सफल हुई तो बहुत हद तक वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। पूरे संयंत्र के अलग अलग हिस्सों जैसे सोलर पैनल्स और ट्रांसमिशन के लिए बिजली परिवर्तित करने वाले उपकरण को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके बाद उन्हें वहीं पर जोड़ा जाएगा। सौर संयंत्र को धरती पर मौजूद एक रिसीविंग स्टेशन के ऊपर भूस्थिर कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। यह सौर ऊर्जा संयंत्र बिजली को लेजर या माइक्रोवेव्स के रूप में धरती पर भेजेगा। यहां इसे बिजली में परिवर्तित कर ग्रिड के जरिए लोगों के घरों में आपूर्ति की जाएगी। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन को उम्मीद है कि वह 2050 तक पूरी तरह सौर ऊर्जा संयंत्र को अंतरिक्ष में स्थापित कर लेगा। अमेरिकी नेशनल स्पेस सोसाइटी के अनुसार अंतरिक्ष सौर ऊर्जा मानव के लिए उपलब्ध सबसे बड़ी ऊर्जा स्रोत है और हमारे ग्रह पर हर व्यक्ति की लगभग सभी बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकती है। अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को धरती पर लाने के प्रयास 1960 से चल रहे हैं, मगर तकनीकी दिक्कतों की वजह से अब तक यह संभव नहीं हो सका। विशेषज्ञों का मानना है कि कोई भी बड़ा देश किसी अन्य राष्ट्र को भूस्थिर कक्षा में 5 गीगावाट लेजर लगाने की अनुमति न दे। अंतरिक्ष में अधिक ऊर्जा से लैस लेजर रखना खतरनाक है। यह घंटे भर में शहर को जला सकती है। दुनिया भर की सरकारें जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जूझ रही हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना कार्बन मुक्त ऊर्जा स्रोत प्रदान करेगी। यह मानव जाति के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीक साबित होगी। चीनी शहर चोंगकिंग से लगभग 500 मील उत्तर पूर्व में जियान में रिसीविंग स्टेशन बनाया जाएगा। यह शहर एक क्षेत्रीय अंतरिक्ष केंद्र है जहां सौर ऊर्जा फार्मों को विकसित करने की सुविधा स्थापित की गई है। चीन ने 2020 तक नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों जैसे सोलर, वायु, हाइड्रो और न्यूक्लियर में $367 अरब निवेश करने का फैसला लिया है।